गुड आफ्टरनून क्लास. फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई रामेश्वर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. वॉट इज द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और MI, इट इज द डेथ ऑफ द सेल्स ऑफ द एरिया ऑफ द हार्ट मसल्स. मीन्स कि जो हार्ट की मसल्स होती है वो डेथ होना, दैट इज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम दिस इज अ लेयर. ओके, यू ऑल नो द थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. इट इज अ मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, जो कि किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से. ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होता, जिस वजह से जो मायोकार्डियल लेयर होता है वो डैमेज होने लगता है. विच इज टर्न्स इज कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई, जो कि मेनली रीजन क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई. जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड हार्ट की मसल्स तक सप्लाई नहीं कर पाती, जिस वजह से जो हार्ट की जो मसल्स होती है, मायोकार्डियल लेयर होता है, वो डैमेज होने लगता है, नेक्रोस होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्स होती है उस एरिया की, वो डेथ हो जाती है. एंड इट्स लीड टू द हार्ट अटैक, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. ये हार्ट अटैक कॉज करता है. ओके, अनदर, व्हेन द हार्ट मसल्स बिकम्स इस्चिमिक. अगर डेफिनेशन की बात करें हम, दूसरी डेफिनेशन, व्हेन द हार्ट मसल्स बिकम इस्चिमिक, दिस इज ऑफन कॉज बाय द चेस्ट पेन. दिस इज द कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस इज अ इनिशियल स्टेज, एंड वेन एवर एंजाइना पेक्टोरिस इज कॉज दैट एंड लीड टू द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. हार्ट मसल्स बिकम इस्चिमिक, आपकी हार्ट जो मसल्स होती है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड ये क्या कॉज करता है, चेस्ट पेन कॉज करता है. दिस इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं. इफ द इस्चिमिक लास्ट लॉन्ग इनफ, जो कि हम बात कर रहे हैं इस्चिमिक या कि ऑक्सीजन की कमी लंबे समय तक रहती है, द हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स में लंबे समय तक हार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, हार्ट की मसल्स में, दैट इज़ नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉप नहीं कर पाता उस जगह पे, दिस इज कॉल्ड एन इन्फॉक्शन. इसको हम बोलते हैं इन्फॉक्शन, यानी कि डेथ. लंबे समय तक ऑक्सीजन ना पहुंचना, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, डेथ हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मीन्स द इन्फॉक्ट मसल्स डेथ, जो कि इन्फॉक्ट जो वर्ड है वो मतलब मसल्स की डेथ होना. इन दिस द इन दिस हार्ट मसल्स, जो कि हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन. ओके, इंसिडेंस, हम बात करते हैं इंसिडेंस की, या कितनी मात्रा पे हमारे वर्ल्ड में या हमारे देश में, या वर्ल्ड की हम बात करेंगे यहाँ पे, हार्ट अटैक कैसा हो रहा है. हेल्थ डाटा कंप्लाइज फ्रॉम द मोर देन 190 कंट्रीज सोर्स हार्ट डिजीज रिमेन द नंबर वन ग्लोबल कॉजेस ऑफ द डेथ, जो कि 190 कंट्रीज से एक डाटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें से अगर देखा जाए तो एक नंबर एक ग्लोबल डेथ है, जिसकी वजह से हर साल लोगों की डेथ हो रही है. 17.3 मिलियंस डेथ ईच ईयर अकॉर्डिंग टू द हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक स्टैटिस्टिक, जो कि हार्ट और स्ट्रोक से होने वाली जो डेथ है वो 2015 के अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 17.3 मिलियन पर ईयर ईच ईयर्स डेथ हो रही है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, हार्ट की जो डेथ, हार्ट अटैक से जो डेथ हो रही है वो हो सकती हैं. द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टू द राइज आर मोर देन 23.6 मिलियन बाय द 2030 द रिपोर्टेड फाउंडेड. तो अगर इसकी बात करें, इसके रिसर्च की बात करें, तो इससे देखा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड है 23.6 मिलियन बाय 2030, जो 2030 आने वाला है उस तक में 23.6 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है ईच ईयर. एविडेंस सजेस्ट दैट द हार्ट अटैक आर एटलीस्ट 3 times मोर लाइकली टू द ऑकर्स इन द मॉर्निंग और स्पेशली बिटवीन 6 AM टू नून. जो एविडेंस हैं, जितने भी प्रूफ आज तक हो पाए हैं, उनसे देखा गया है कि जो हार्ट अटैक है लिस्ट 3 times
ज़्यादा होते हैं लाइकली मॉर्निंग मॉर्निंग आवर्स के टाइम पे वो ज़्यादा होते हैं लोगों को, बिटवीन 6 AM टू नून, जो दोपहर तक का समय होता है उस टाइम पे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हो गया है आपका इंसिडेंस। ओके, नाउ द रिस्क फैक्टर, हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर, द मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफिएबल वर्ड से ही आपको समझ में आता होगा कि ये आप हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मॉडिफिएबल है उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते सिंपल वर्ड्स में। ओके, तो नॉन मॉडिफिएबल की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल, लाइक लाइफ स्टाइल मीन्स हम स्मोकिंग करते हैं, अगर कंटिन्यू स्मोकिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से चांसेस 36% ज़्यादा MI होने के रीजन हो सकते हैं। अदर टबैको यूज, टबैको तंबाकू जिसे बोलते हैं हम, उसका यूज कर रहे हैं स्मोकिंग के साथ, तो इन वजह से 36% चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूज ओबिसिटी 20%, ओबिसिटी मोटापा अगर है उसकी वजह से भी 20% हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी 7 to 12%, आजकल की इस भागदौड़ की लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल है, उसमें हम फिजिकल इनएक्टिवेट रहते हैं, प्रॉपर तरीके से हम वर्कआउट नहीं करते, उस वजह से भी 7 to 12% लोगों को हार्ट अटैक की चांसेस या मायोकार्डियल होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो भी बहुत कॉमन होती जा रही है, इसकी वजह से भी लोगों को मायोकार्डियल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हाइपरटेंशन, स्ट्रेस लेवल, आजकल हर व्यक्ति को स्ट्रेस का बहुत ही पीक में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्डन है, यहाँ स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल, लाइफ में कितना बढ़ना है, ग्रो करना है, इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेवल चलता है साथ में, ये हाइपरटेंशन की वजह से, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ये भी एक रीजन है। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया कह सकते हैं हम, या अपने लिपिड जो फैट होता है उसका एलिवेशन होना या उसका ऊपर नीचे होना या बढ़ जाना, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, वो बढ़ता है और वो कोरोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम भी करता है, इसलिए ये भी एक फैक्टर है, मॉडिफिएबल फैक्टर, इसको हम अपने डाइट के पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, इट ऑल्सो द ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे लिए फैट कंज्यूम करता है, ये भी बैड फैट होता है, जो उसको भी हम अपने लाइफ स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। सम मॉडिफिएबल साइको सोशल फैक्टर, साइको सोशल में क्या आता है, लो सोशियो इकोनॉमिक, अगर किसी का पुअर व्यक्ति है, उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कम है, स्टेटस वीक है, या सोशल आइसोलेशन है, वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड फूड अफोर्ड नहीं कर पाता, खाने में अच्छे से सेहत को अपने ध्यान नहीं दे पाता, ये एक रीज़न हो सकता है सोशल आइसोलेशन। वो अब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने से सोशली इनएक्टिवेट रहता है, वहाँ से किसी से इंटरेक्ट नहीं होता, इस वजह से उसमें डिप्रेशन का जो चांसेस होता है वो बढ़ता है, एंड निगेटिव इमोशंस, अगर उसके पास पॉजिटिव इमोशंस नहीं होते कि आगे बढ़ने का सोच नहीं होता, या कुछ ऐसा है, या मेरे साथ बहुत गंदा हो रहा है, ऐसा सोचता है, निगेटिव इमोशंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी रिस्क रहता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के, बट इसको भी हम अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बिहेवियर से इसको बदल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो द मॉडिफिएबल। ओके, स्ट्रेस, मैं उसी बात को फिर से बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस लेवल, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस वजह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस रहते हैं। पुअर ओरल हाइजीन अगर रखते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग टूथिंग नहीं करते, उसकी वजह से भी हमारा हाइजीन मेंटेन नहीं होता, उसका एक फैक्टर है। टाइप ए पर्सनालिटी मीन्स तो जो व्यक्ति एक तरह से हाईली एम्बिशियस होते हैं, जिनको बहुत ही अपने स्टेटस कंसर्न होते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, उसके बारे में हमें क्या लोग कहेंगे, तो वो एक अलग तरह के पर्सनालिटी के लोग होते हैं, अगर उनको किसी प्रकार का सही नहीं हो पाया उनकी लाइफ में, तो उनको भी उससे ही डिप्रेशन होता है और वो लीड करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये हम बात कर रहे हैं मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर की। ओके, जिसको हम अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। नाउ द नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर, द एज, जेंडर,
हेरिडिटी, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, एज को हम बदल नहीं सकते, एज हमारी बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो मायोकार्डियल की रेट होगा, मायोकार्डियल का इंसिडेंस होगा वो बढ़ेगा। जेंडर, मेल फीमेल्स जेंडर के अकॉर्डिंग इंसिडेंस होता है। हेरिडिटी अगर किसी को फैमिली में पहले से हिस्ट्री में है, हेरिडिटी उसको है, तो उसके न्यू जनरेशन को भी होने के चांसेस रहते हैं मोर देन। जेनेटिक, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं किसी प्रकार से, बचपन से ही इस तरह से एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, तो की भी ऑल्सो द लीड द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अदर रिस्क फैक्टर, ये तो हो गए हमने मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर की बात किया। अब हम बात करते हैं अदर रिस्क फैक्टर, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन को लीड कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स सच एज द स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। स्लीप डिसऑर्डर्स मीन्स जब हम सोते वक्त स्नोरिंग होता है, ये घर्राहटेदार आवाज़ आती है, कई बार सुना होगा लोगों को। एंड स्लीप एपनिया, स्लीप मीन्स एपनिया मीन्स ड्यूरिंग द स्लीपिंग डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, ब्रीथ में डिफिकल्टी होता है उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द नॉइस, लगातार हम एक्सपोजर में रहते हैं नॉइस, जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, ऐसी जगह पे रहने से भी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के चांसेस रहते हैं। इट ऑल्सो द रिस्क फैक्टर। कोल्ड वेदर, जहाँ कोल्ड वेदर होता है वो भी ऐसे, स्पेशली जो यंगर एज के लोग होते हैं, ओल्डर एज के लोग होते हैं, उनको कोल्ड वेदर से प्रिवेंट करना चाहिए। इन्फेक्शन लाइक क्लाइमेडो फ्लेवी न्यूमोनिया, क्लाइमेडो फिल न्यूमोनिया जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, फिलिक जो हाईली लंग्स को कोलैप्स करता है और ये हाईली निमोनाई कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फ्लुएंजा मीन्स द फ्लू लाइक जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज द फीवर ऑल्सो, फ्लू जिसे हम बोलते हैं जनरल वर्ड्स में। हेलिकोबैक्टर फाइलोरस जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया, एंड प्रोफ्रोमेनोस जिंजिवेलिस जो होता है ये ऑल्सो द बैक्टीरिया बिलोंग द फाइलम ग्राम निगेटिवस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इनके वजह से भी मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वासिक डिसीज़, क्वासकी डिसीज़, जो कि क्वासकी डिसीज़ इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द सम ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं पे भी हो सकता है ब्लड वेसल्स में किसी भी पार्ट में बॉडी के, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होने के चांसेस आते हैं। एंडोमेट्रोसिस इज अ वुमेन अंडर द एज ऑफ 40, अगर एंडोमेट्रोसिस हो गया वुमेन्स में अंडर 40s हैं। एंडोमेट्रोसिस मींस क्या होता है अगर इसको हम बात करें, एंडोमेट्रोसिस मीन्स द सेम जो सेल ग्रोथ होता है, जो यूट्रस में जो सेल्स होती हैं वो बियॉन्ड द यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोमेट्रोसिस। एंड पोल्यूटेंट एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स, दूसरे पोल्यूशंस हम वेदर्स में हर वर्क करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ में वर्क करने वाले लोग होते हैं, पोल्यूशंस वहाँ ज़्यादा होता है, टॉक्सिक केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें वर्क कर रहे होते, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं आपके मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी और एटियोलॉजी, वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैथोफिजियोलॉजी की, तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस ये वर्ड जो आया, मैंने इसके बारे में पहले से बताया कि जो बिल्ड अप द फैट कोलेस्ट्रॉल, फैट कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन द ऑन द आर्टरी वॉल, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें प्लेक फॉर्मेशन होना, किसी प्रकार का फैट डिपॉजिट होना, कैल्शियम डिपॉजिट होना, ब्लड का बबल्स इकट्ठा हो जाना, या कह सकते हैं हम क्लॉट होना, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगता है एक ही जगह पे, तो इस दिस इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। द नैरोइंग ऑफ द हार्ट ब्लड वेसल इट लीड टू द नैरोइंग, जब एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होंगी वो नैरो होंगी, हार्ट ब्लड वेसल्स, हार्ट की हम बात कर रहे हैं ना, कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो नैरो होंगी, दैट लीड टू द प्लेटलेट्स एंड प्लेक ब्लॉक द ब्लड वेसल्स कम्प्लीटली,
जो कि क्या करता है, प्लेटलेट्स एंड प्लेक जो होता है वो ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल्स को, कम्प्लीटली पूरी तरह से क्लोज कर देता है, एंड दैट टाइम इट लीड टू द हार्ट अटैक। जैसे ही ब्लॉकेज आ जाएंगे, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो जो मसल्स होंगी वो डैमेज होंगी, मसल्स डैमेज होंगी तो कंडक्टिंग सिस्टम जैसा हार्ट में आपने पढ़ा होगा वो अपना वर्क करना बंद कर देगा और वो हार्ट अटैक पेशेंट को हो जाएगा। ये देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से डिपोजिशन हो रहा है। एक ही ये एक बिल्कुल फर्स्ट है, ये आपको देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा उसमें स्पेस दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड, इसमें देखेंगे सेकंड वाले डायग्राम में, ये पहले ही टीयर इन द आर्टरी वॉल्स, शुरुआती टीयर्स इसमें स्टार्ट हो गया, उसके बाद देन फैटी मटेरियल डिपॉजिट ऑन द वेसल्स वॉल, ये डिपोजिशन येलो कलर्स जो दिखाई दे रहा ये फैटी डिपॉजिट होने लगा, एंड नैरोड आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड बाय द ब्लड क्लॉट। जो नैरो आर्टरी हो गई फैटी मटेरियल से डिपॉजिट होने के बाद वो नैरो होने लगी, और नैरो होने के बाद जो ये एरिया है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जो ब्लड का प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने की वजह से, ब्लड का थिकनेस होने की वजह से उस एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बात करते हैं डिग्री ऑफ डैमेज टू द हार्ट मसल्स। इस्चीमिया, फर्स्टली फर्स्ट डिग्री जो है उसमें कहते हैं इस्चीमिया, आउटर मोस्ट एरिया सोर्स ऑफ एरिथमियाज वाइवल इफ़ नो फर्दर इन्फेक्शन, जो मेन वाइवल प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रैक्टिकेबल वाइवल प्रोडक्ट होते हैं, इट इज़ एबिलिटी टू ग्रो द फंक्शन फंक्शन एंड फंक्शन प्रॉपरली, जो कि प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो वाइवल इज़ नो फर्दर इन्फार्क्ट, जो कि मेन जो प्रोडक्ट है वो उसका इन्फार्क्ट अभी नहीं हुआ है। वाइवल मीन समझ गए ना, कि जो ग्रो करने वाली जो सेल्स होती हैं वो अभी डैमेज नहीं होती, सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में एरिथमियाज होते हैं, डिफ़िकल्टीज हो रही हैं उसमें, हार्ट रेट जो हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी इसमें ब्लॉकेज नहीं है, वो प्रॉपर जो टिश्यूज़ हैं वो नॉर्मल है अभी। देन इट लीड टू द इंजरी, इस्चीमिक कंडीशन हो गया, फर्स्ट डिग्री हुआ, सेकेंड डिग्री होता है इंजरी, वाइवल टिश्यूज फाउंड बिटवीन इस्चीमिक एंड इन्फार्क्ट एरिया, जो कि वाइवल टिश्यूज फाउंड बिटवीन इस्चीमिक जो एरिया होता है और इन्फार्क्ट एरिया के बीच में वाइवल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, इन्फार्क्शन एंड निक्रोसिस, थर्ड डिग्री जिसे हम बात करते हैं, सेंट्रल एरिया डेड नॉट वाइवल टिश्यू, वहाँ पे जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वाइवल टिश्यूज होते हैं वो सेंट्रल एरिया में नहीं प्रेजेंट होते, टर्न इनटू द स्कार, वो बदल जाते हैं स्कार में या तो डैमेज टिश्यूज में बदल जाते हैं। हेल्दी टिश्यू इज़ अ वाइवल टिश्यूज एंड स्कार टिश्यू या डैमेज टिश्यू इज़ द डैमेज, जिसमें पूरी तरह से वो डेथ हो जाती है। साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर इसको जनरल अपन बात करें, साइट आपने हार्ट की वॉल्स तो पढ़ा है, हार्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लासेस में, एंटीरियर वॉल MI जो एंटीरियर साइट होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर आपने सभी कुछ पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हार्ट में एंटीरियर वॉल MI होता है, सेकेंड इज अ पोस्टीरियर वॉल MI, इन्फीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI एंड सेप्टल MI, सेप्टल इज अ सेंट्रल जो राइट एंड लेफ्ट साइड को डिवाइड करता है, तो दीज आर द साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, की हम जिस एरिया के जो टिश्यूज़ होते हैं वो निक्रोस होते हैं, सेल्स निक्रोस होती हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम दिए हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इन्फीरियर वॉल, लेटरल वॉल और सेप्टल MI। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये तो हम बात कर लिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कैसे लीड कर रहा है, कितने स्टेजेस में हो रहा है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये MI का पेशेंट है। पेशेंट फील द पेन, फर्स्टली पेन सडन ऑनसेट, कभी भी अचानक से पेन स्टार्ट हो जाएगा, सब स्टर्नल यानी कि स्टर्नम जो एरिया होता है उसके जस्ट बिलो पेन स्टार्ट होता है, क्रशिंग, बिल्कुल से ऐसा लगेगा क्रश हो गया, बिल्कुल निचोड़ देने वाला, दबाव देने वाला,
टाइटनेस फील होगा, उसको टाइट फील होगा, सीवियर काफ़ी तेज़ी से पेन होगा, अनरिलीव्ड बाय द नाइट्रोग्लिसराइड, जो नाइट्रोग्लिसरिन टैबलेट्स होती हैं अगर उसको हम देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता तो वो मायोकार्डियल का पेन हो सकता है। मे रेडिएटेड टू बैक, नेक, जॉ, शोल्डर, आर्म्स, ये पेन जो होता है वो रेडिएट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बैक साइड, नेक साइड, जॉ, शोल्डर, आर्म्स, इन सब जगह तक रेडिएट हो सकता है। इसके साथ दूसरी चीज़ें हैं पेन के साथ, डिस्पनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सिंकोप अटैक हो सकता है, सडनली लॉस ऑफ ब्रेन एंड पेशेंट गो टू द फैंट, वो गिर सकता है पेशेंट उसी टाइम पे, अचानक से उसको सिंकोपिक अटैक भी हो सकता है, नोजिया हो सकता है, उसको वोमिटिंग फील हो सकता है, नोजिया फील हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एक्सट्रीम वीकनेस बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस होगा, डाइफ्रोसिस पसीने आ सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, डिनाइल इन द कॉमन, उसमें वो अपने आप को डिनाइल रहेगा, उस कुछ उसको कन्फ्यूज रहेगा कुल मिला के कहना चाहिए, एंड इनक्रीज द हार्ट रेट, सिंकोप होगा उस टाइम पे उसका वीपी फॉल हो जाएगा सडन एंड हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज हो सकता है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो क्रशिंग, जस्ट क्रशिंग देखिए पूरी तरह से डायग्राम में दिखा रहा, ओके, टाइटनेस, तो इस प्रकार से आर्म्स रेडिएट हो रहा है, जॉ में, नेक में, बैक में, तो ये साइन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू अपन बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी एंड फियर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द हार्ट रेट, एंग्जाइटी हो सकता है, फियर रिजल्टिंग टू द इंक्रीज इन हार्ट रेट, उसकी सडनली हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको फियर होगा, डर होगा, एंग्जाइटी होगा, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेटरी रेट, उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा, रिस्पायरेटरी रेट होगा, कहीं मुझे ज़्यादा मेरी डेथ ना हो जाए, ऐसा उसको डर लगेगा, इस वजह से उसको एंग्जाइटी होगा, डिसओरिएंटेशन, वो अपने आप को कंफ्यूज रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, उसको ओरिएंटेशन का भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलेगा, कंफ्यूज रहेगा, रेस्टलेसनेस होगा, उसको बहुत ही वीकनेस लगेगा, फैंटिंग, समटाइम्स फैंट हो सकता है, मैंने बताया सिंकोपिक अटैक हो सकता है, मार्क्ड वीकनेस बिकॉज ऑफ द जनरलाइज्ड वीकनेस, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस होने की वजह से, एटिपिकल सिम्टम्स लाइक एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, एटिपिकल सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं लाइक हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में डिस्ट्रेस, स्ट्रेस प्रेजेंट होगा, डिस्ट्रेस होगा, उसको डल एज होगा, हल्का हल्का पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, ऐसे कहीं कई भी जगह पे आपको टिंगलिंग, मतलब बार बार ऊपर नीचे ऐसा फील होगा आपको, टिंगलिंग सेंसेशन जिसे हम बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ब्रीथिंग में उसको डिफिकल्टी होगी, एक्सट्रीम फटीग बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस लगेगा, साइलेंट हार्ट अटैक, सडनली उसको कई बार ऐसा होगा कि साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते, जितनी बात हमने किया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, कोई नो एनी सिम्टम्स, मोर कॉमन इन एल्डरली पेश पीपल्स, ये ज़्यादातर एल्डरली पेश पीपल्स में ज़्यादा होता है, वोमेंस में हो सकता है ऐसा, एंड पीपल विद द डायबिटीज़, जो जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है उनको, तो वोमेंस एंड एल्डरली पीपल्स डायबिटीज़ पेशेंट को साइलेंट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या साइलेंट मायोकार्डियल होने के बाद पता ही नहीं चलता उसको, उसको हार्ट अटैक आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये तो हम बात कर चुके हैं सिम्टम्स की, कि कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हार्ट अटैक को फाइंड कर सकते हैं, बट हम हाउ टू फाइंड द एक्चुअल कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और नॉट, ओके, तो हिस्ट्री टेकिंग, एनी दिस फैक्टर एवर मेंशन्ड इज प्रेजेंट, जो मैंने बात किया अभी रिस्क फैक्टर्स की, क्लिनिकल सिम्टम्स की, तो उसकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद ही हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और नॉट। क्लिनिकल फीचर्स लाइक अ सिम्टम्स, प्रोलॉन्ग कार्डिक पेन, लगातार उसको कोई पेन हुआ है लंबे समय तक, सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा था, विच टेक्स सेवरल मिनट्स और प्रोलॉन्ग टू डेवलप, डल एचिंग, कंस्ट्रिक्टिंग, हैवी, उसको इस प्रकार से किसी प्रकार की जो अभी डिस्कस कर चुके हैं उन सब चीज़ों को लेना है, कंफर्म करना है, क्लिनिकल फीचर्स को समझना है, स्क्वीजिंग एंड क्रशिंग रेडिएट टू द बोथ आर्म, थ्रॉट, जॉ एंड इवन द बैक, एपिगैस्ट्रियन एसोसिएटेड विद द ब्रेथलेसनेस एंड प्रोलॉन्ग टू ड्यूरेशन, एग्रीवेटेड बाय द एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय द टेकिंग रेस्ट, अगर एग्रीगेट है वाइब एग्जर्सन, किसी भी एग्जर्सन से वर्कलोड बढ़ने की वजह से उसको पेशेंट पेन बढ़ता है और
रेस्ट लेने के बाद रेस्ट आराम होता है, इन सब चीज़ों को हिस्ट्री लेके उसकी क्लिनिकल फीचर को देखना है। एंगजाइटी एंड फियर ऑफ इम्पेंडिंग है डेथ, डेथ से रिलेटेड कोई एंगजाइटी है इस तरह की, उसको कंफर्म करते हैं। देन साइंस ऑफ सिम्टम्स, सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस, पोलर स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, सिंपैथेटिक जो एक्टिवेट होता है, जैसे हम अगर हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम की बात की होंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक वर्क करते हैं। सिंपैथेटिक यानी इंक्रीज, कोई भी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देना, पहले सडनली उसको बॉडी फैलर हो जाएगी, स्वेट हो जाएगा उसको, बिल्कुल से स्वेटिंग आने लगेगी, टैकीकार्डिया होगा, उसके हार्ट रेट जो होगा बढ़ जाएगा। साइन ऑफ वेगस एक्टिवेशंस, वोमिटिंग, ब्रैडीकार्डिया, साइन ऑफ इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन, हाइपोटेंशन, ओलिगुरिया हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, कोल्ड पेरीफेरल्स, जो पेरीफेरीज होती हैं वो कोल्ड हो सकती हैं, नैरो पल्सेस हो सकते हैं, थर्ड हार्ट साउंड, जो एक्चुअली लव्ड अप साउंड होते हैं, उसके अलावा थर्ड हार्ट साउंड भी सुनाई दे सकता है, या फिर क्यूट फर्स्ट हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगा वो क्यूट हो सकता है, वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये सारे सिम्टम्स साइंस पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं। साइन ऑफ टिश्यू डैमेज, फीवर होने की बात अगर हम बात करें, फीवर हो सकता है। साइन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन, प्रीरिकार्डाइटिस, इस प्रकार के कोई साइन होते हैं तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद हम ECG को मोनिटर करके देख सकते हैं, हाइपर एक्यूट स्टेट है, ट्रांसम्यूरल इस्चिमिक स्टेज है, ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन है, इन्फेक्शन स्टेबलिस्ड है। तो इस ECG के थ्रू भी पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है कि एक्चुअली उसको किस प्रकार का हार्ट अटैक या मायोकार्डियम हुआ है, मायोकार्डियम इन्फॉक्शन। टोटल क्रिएटिनिन काइनेस लेवल, जो कि क्रिएटिनिन काइनेस का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में, उसको क्या है, उसको हम विद इन आवर्स फाइंड करते हैं आफ्टर अटैक, किसी प्रकार का सडनली अटैक हुआ है उस टाइम पे, राइज विद द 3 hours आफ्टर ऑनसेट ऑफ द चेस्ट पेन, किसी प्रकार का चेस्ट पेन हुआ है उस टाइम पे हम देखेंगे, अगर रिलेटेड टू MI है तो उसका जो क्रिएटिनिन काइनेस जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा, पीक विद द 24 hour डैमेज एंड द डेथ ऑफ द कार्डिक टिश्यू। ये जो 24 hours का जो एरिया टाइम होता है उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड क्रिएटिनिन काइनेस, सेकेंड इज क्रिएटिनिन काइनेस मायोकार्डियल बैंड, आइसो एंजाइम, जो क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड आइसो एंजाइम्स होते हैं, ये भी पीक एलिवेशन होगा इसका 18 to 26 hours आफ्टर ऑनसेट ऑफ द चेस्ट पेन, जैसे ही चेस्ट पेन होगा उसके 18 से 24 घंटे के अंदर इसका एलिवेशन जो होगा पीक में होगा एंड रिटर्न टू नॉर्मल, फिर उसके बाद ये नॉर्मल में आ जाएगा 48 to 72 hours के बाद। ट्रोपोनिन लेवल्स राइजेज विद द 3 hours, जो ट्रोपोनिन का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है 3 hours के बाद, रिमेंस एलिवेटेड अप टू 3 weeks, जो कि फिर धीरे धीरे एलिवेट होता है 3 सप्ताह तक। मायोग्लोबिन राइज विद द 1 आफ्टर सेल डेथ, ये मायोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली हमारे ब्लड बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, बट जैसे ही हमारे टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, डेथ होने लगती है, किसी प्रकार से डैमेज आया हमारे बॉडी के टिश्यूज में, तो इनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम क्लिनिकल फीचर्स ब्लड सैंपल के थ्रू इसको देखा जा सकता है या फाइंड किया जा सकता है। राइजेस विद द 1 आफ्टर द सेल डेथ, जैसे ही कोई सेल डेथ होती है मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, पीक इन द 6 hours, इसकी जो हाई अमाउंट होता है वो 6 hours में होता है, रिटर्न टू नॉर्मल विद इन द 24 to 36 hours और लेस, उससे भी कम समय में हो सकता है। देन LDH लेवल, LDH लेवल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इज ऑल्सो द एंजाइम फ्लूड इन द ऑलमोस्ट एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारे सभी बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी वेन एवर द टिश्यूज डैमेज दैट टाइम इज राइज 24 आफ्टर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये जैसे ही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है उसके बाद 24 hours में बढ़ जाता है 48 to 72 hours में, ये इसका जो लेवल होता है वो पीक होता है एंड फैल ऑन द नॉर्मल टू द 7 days, इन द 7 days 7 दिनों में ये नॉर्मल लेवल में आता है। एंड WBC, एलिवेटेड WBC,
अगर वाइट ब्लड सेल्स काउंट की बात करेंगे तो इसका जो लेवल होगा ये काफ़ी बढ़ जाता है ऑन द सेकेंड डे। मायोकार्डियल की जो सेकेंड डेज में होता है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ होता है। एंड अनदर डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट ETT जिसे हम बोलते हैं, तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट से कंफर्म करते हैं इसमें मायोकार्डियल की जो इंटेंसिटी है वो कितना है या मायोकार्डियल है कि नहीं है। इस सिक्के थ्रू भी मायोकार्डियल को चेक किया जाता है। इमेजिंग टेस्ट लाइक अ थैलियम स्कैन, मल्टी गेटेड कार्डियो पूल इमेजिंग स्कैन, कार्डिक कैथेटराइजेशन, इट ऑल्सो द हेल्प फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।